मैंने काफी कुछ सुना, मेरा घड़े घड़ा भरने के बाद मैंने रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था तब, क्योंकि पहले वो सिर्फ मुझसे एक रिएक्शन चाहता था जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसे देने के लिए, और मैंने तब जाके रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था, और मैंने खुद का चैनल बदला, और वो चैनल जो बदलने का नाम दिया था वो कृष्णा ने दिया था कि आपने सोते हुए शेर को जगा दिया। अब जे लो अविनाश, हमने देखा आपने किस तरीके से फर्स्ट वीक में ही फलक के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी, लेकिन फलक के साथ बैठकर आपने कुछ नेम कॉलिंग दी थी, जैसे कि आपने अभिषेक और फलक आप लोग बात कर रहे थे तो अभिषेक को गे बोला गया उस समय है? हाँ, फलक ने बोला है, और साथ ही साथ आपने बोला गे नहीं, जनानी, जनानी है वो, चेहरा वैसा दिखता है ऐसे, ओके, हाँ। उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो वो जनानी शब्द मैंने दिया था जी, श्योर ना? यस यस, क्योंकि मैं उस पे कमेंट करूं फिर। नहीं, yes, sure. yes, हाँ, फलक ने भी बोला है। हाँ, क्योंकि उसकी हरकतें उस तरीके की लगी मुझे कि वो उस तरीके के हरकतें कर रहा है घर के अंदर, जो मुझे वैसा नाम देने के लिए मैंने सोचा होगा, और उस घर में लाइफ इतनी फास्ट चलती है कि मुझे एक्चुअली पूछना पड़ रहा है आपसे कि मैंने ही बोला था ना फॉर श्योर, क्योंकि फिर मैं उस पर कमेंट कर सकूँ पूरी उसके साथ, क्योंकि जो मैंने बोला है आई लिव अप टू दैट। तो वो अभिषेक के रिएक्शन और उसके बिहेवियर के वजह से ही मुझे ऐसा लगा था, बट वो मैं टैग एक्चुअली एक ही बार यूज़ किया होगा मैंने, उसके बाद वो हट गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे चौथे या पांचवे हफ्ते से तो मेरे दिमाग में एक किडो नाम का मैंने टैग दे दिया था उसे कि ही इज़ अ किड फॉर मी, इमेच्योर किड। लेकिन लास्ट राशन वाले टास्क के बाद मनीषा ने कहा कि अविनाश तुमसे सिर्फ इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसे फुटेज चाहिए रहता है, तो इस बारे में क्या कहना है? मैडम, मुझे 18 साल में 11 शो करके बहुत फुटेज मिली है, मुझे फुटेज के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा वो एम है। अविनाश, ये भी जानना चाहेंगे जब पनिशमेंट मिली थी बेबिका को और मनीषा को, उसके बाद जब राशन का टास्क हुआ था, प्रीमियम राशन वाला टास्क हुआ था, आपने नहीं किया था जिस वजह से इन्हें राशन नहीं मिला था, और आपका कहना था कि ये लोग क्या खाना खाना राशन राशन करते रहते, हमने इतने सारे सीजन देखे सिर्फ और सिर्फ राशन की वजह से ही फाइट हुई है, लेकिन एक आप एक ऐसे लौते हो जो सिर्फ राशन के लिए बोलते हो कि क्या राशन राशन, क्या कहना है इसके ऊपर आपका? और आपका ये कहना कि खाने के लिए आए हो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि गलत है ये कहना, क्योंकि खाना तो बेसिक नीड है जो सबको चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, पहले सबसे पहले तो मुझे लग रहा था यार मैंने उसके रास्ते में कांटे तो डाल दिए वीकेंड के बार पे, पर अब कांटे डालने का मौका ही नहीं मिला, कोई टास्क हुआ ही नहीं, सीधा फैमिली आने लगी अंदर, सब इमोशनल हो गए एक दूसरे को पेरेंट्स को देख के, और सब हवा में चला गया, तो मैं कब कांटा बनूं जब वो सो रहा है तब, क्योंकि टास्क के अलावा तो सोता ही था मेरे हिसाब से, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कब कांटा बनूंगा, और फिर उसका कैप्टनसी का टास्क आया जब उसको पनिशमेंट देनी थी, मतलब यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया, तो मैं उसका कैप्टनसी में तो कांटा बनूं, और एक दिन पहले ही जब उसने मुझे वो OTT वाले जोन में जहां उनकी मंडली बैठती थी वहां बैठ के मुझे बात कर रहा था, तो मेरी ही लाइन थी जो मैंने उसे कही थी, मतलब अभिषेक तू कैप्टन है, स्ट्रेस तेरा है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को आगे सिर्फ तेरे को पोक करना है और तू नाचेगा, मैंने उसे पहले ही बता दिया था एक दिन पहले कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या कर सकता हूँ, जो अभिषेक ने शायद मेरी हिंट नहीं सुनी, और मैंने नेक्स्ट डे से उसे पोक करना मेरा इंटेंशन था, और दूसरा इंटेंशन ये था कि मैंने देखा बेबिका का मन नहीं मान रहा था जो उसने बोला, वो अग्री नहीं कर रही थी, तो क्यों कर रही है, कपड़े क्यों धो रही है, तो उसका रीज़न ये था कि नहीं मेरे पापा मुझे समझा के गए मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, मैं करूंगी जो करना है, ठीक है भाई अब तेरी सोच वैसी है, फीलिंग कुछ और है, दोनों कन्फ्यूज है, ठीक है कर, मनीषा उसकी दोस्त है, वो उसके अगेंस्ट जाएगी नहीं, तो उसने कर लिया, रही बात मेरी, तो कोई तो मजे ले, कोई तो मना करे, मैं सोच रहा था कि ये टास्क दिया क्यों गया है, क्या ऑडियंस ये देखना चाहती है कि बेबी का कपड़े कैसे धोती है, नहीं, क्या वो ये देखना चाहते हैं कि मनीषा शू पॉलिश कर पाती है या नहीं, नहीं, तो इस टास्क का मकसद क्या था कि पनिशमेंट दो और सब ले लें और घर चले जाएं, मेरे हिसाब से नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इस टास्क का मकसद कुछ और है, वो अगर कैप्टन बन के पनिशमेंट दे रहा है तो हमारे हाथ में, हमने पनिशमेंट लेनी है नहीं लेनी है, रिवोल्ट करना है नहीं करना है, एंटरटेनमेंट मुझे उस टास्क में मिसिंग लग रहा था, तो मेरे सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने सोचा बेटा देख तेरे पे आएगी, सब तेरे से लड़ेंगे, राशन मिलेगा नहीं, मतलब ओके मेरे लिए राशन से ज़्यादा दाल चावल खा के मैं एक हफ्ता बिता दूंगा, पर मेरे लिए एंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑडियंस को देना चाहिए वो मेरा काम है एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 18 ईयर्स, तो मैंने सोचा कि नहीं अब जो कुछ भी होगा मैं तो ये उठाऊंगा ही उठाऊंगा, भले मेरे को कितनी भी गालियां पड़े, अगर मैं अगेंस्ट कर देता हूं, बिग बॉस बोलते थे कि अभिषेक आपके हाथ में, अगर आपको किसी को जेल भेजना है तो भेज सकते हैं, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार था, बट इवेंचुअली इट केम डाउन टू राशन, और राशन में उससे पहले आपने देखा होगा बीबी वर्स के अंदर हमने अंडे लिए थे, तो कॉफ़ी और दही तो वैसे भी नहीं आनी थी, तो बचा क्या, ब्रेड बटर और चिकन, चिकन अभिषेक खुद खाता नहीं है, बचा ब्रेड बटर और सबके लिए अंडे, सिर्फ ये तीन चीज़ नहीं आई है, और हम वहाँ हॉलीडे पे नहीं गए हैं,
मेरा ये कहना था कि हमें खाना तो मिल ही रहा है, बिग बॉस वाले हमें भूखा थोड़ी मारेंगे, हम कुछ ना कुछ खा के पेट भर के ही जी लेंगे। पर उनका ये कहना था कि उन्हें कॉफी चाहिए थी, उन्हें बटर चाहिए था, मुझे ब्रेड चाहिए थी। तो मेरा ये कहना था कि मैं क्या राशन 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 लगा के रखा है, कभी दाल चावल नहीं खाए हैं कि 8 दिन तक। दैट वाज द टॉक। अविनाश, हमने देखा जिस तरीके से अभिषेक को आपने पहले कैप्टनसी से आउट किया था और जिया को कैप्टन बनाया था, तो कहीं ना कहीं अभिषेक उससे चिढ़ गया था और ये एक पैटर्न देखा गया है कि अभिषेक को हार बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं रिवेंज मोड लेता है। डू यू फील द सेम? बिकॉज़ एज अ जनता हमने ये ऑब्जर्व किया है उसका। ये मैंने सलमान सर को भी बोला था जब वो अभिषेक और मैं एक दूसरे को एडजेक्टिव्स दे रहे थे कि इसमें ये है इसमें वो है, तब मैंने सलमान सर को बोला था कि सर इसमें ना बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे वो सत्ता से हटाया था कैप्टनसी की, मुझे उसके अंदर ना उसका चेहरा एकदम एक बच्चे का चेहरा होता है ना, उसके हाथ से अगर खिलौना छीन लिया जाए तो कैसा चेहरा हो जाता है, उसका चेहरा वैसा हो गया था। और उससे सडनली मुझे एक जेलसी फैक्टर देख रहा था कि अविनाश नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि बजर मेरे सिवा तो अलावा कोई बजा ही नहीं पाएगा। और एक्चुअली वैसा हो रहा था क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, उसके हाथ पैर लंबे हैं और वो इतना ही करे तो बजर दब जा रहा था। मैं थोड़े ही इंच कम हूँ उससे बट एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो मैंने अभिषेक को ये मुंह पे बोला, मैंने भाई हाइट तेरी ज्यादा, हाथ पैर तेरे लंबे, कॉन्फिडेंस तेरा ज्यादा। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो अभिषेक के पास नहीं है, और मेरे जहन ने मुझे एक ही जवाब दिया, फोकस। और मैं उसी पे लगा हुआ था फोकस, तभी वो 3 बार बजर मैं दबा पाया और उसके बाद मैंने अभिषेक को निकाला, मनीषा को निकाला और जिया को निकाला। सो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू दैट। और जिया को मैं कहीं ना कहीं ये प्रूव करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि वो नॉमिनेशन की वजह से या ये रियलिटी शो की वजह से कि मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं निभाऊंगा। मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया था, वंस आई एम ऑल इन, आई एम ऑलवेज ऑन। जिया की बात करें तो पहली बार जब आपने उसको नॉमिनेट किया था तभी उसे पैनिक अटैक आया था, उसके बाद आपने उसकी भरपाई करी कैप्टन बनाकर, उसके बाद आपने उसको फाइनलिस्ट भी बनाने की कोशिश करी, उसके बाद उसने भरपाई दूसरी बार करी मेरे को वापस नॉमिनेट कर। यस हाँ, तो वही कहना था जो एंड ऑफ द मोमेंट उसने जो नॉमिनेट किया, दो दो जन को जब बुलाकर नॉमिनेट करवा रहे थे, वॉट इज योर टेक ऑन दैट कि इतनी कंफ्यूज है जिया, क्या जिया सिर्फ अब सेल्फिश बन गई है अंदर? इस पे एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ जिया के ही। अभिया एक ऐसा हैशटैग जो सामने आया है, यूजुअली नहीं बोला जाता है जो बाहर चल रहा होता है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक हिंट दिया गया कि एक चल रहा है। उसके बाद से हमने देखा कि जिया कंटिन्यूसली अभिषेक के साथ इन्वॉल्व हो रही है, आपको नॉमिनेट कर रही है या फिर आपके खिलाफ जा रही है, चीजें कर रही है, उस चीज को लेकर क्या कहना है? यार जिया ने जो कुछ भी किया वो उसकी सोच थी, वो उसकी पर्सनालिटी थी, वो सोच उसके दिमाग से आई, किसी ने उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया, तो जो आया उसके जहन के अंदर से आया ना। But do you feel betrayed? Like? तो जो भी आया उसके अंदर से आया, वो जिया की सोच थी। अगर किसी और के कहने से करती तो मैं बोलता कि इन्फ्लुएंस हो गई, बट नहीं, जो कुछ भी सोचा वो उसने खुद सोचा। मेरा ये सोचना है कि मैं ऐसा सोच ही नहीं और सोच पाता भी नहीं, और अगर वैसा सोच के अगर मैं ट्रॉफी जीत भी लूं तो मेरे लिए वो ट्रॉफी नहीं होती, क्योंकि वो मैं रियल नहीं हूं। वो फिर एक तो स्लाई गेम हो गई ना कि चलो ठीक है ओके इस गेम में ऐसा करते हैं, बट ये भी अगर देखा जाए उसने मेरे मुंह पे एक्सेप्ट किया कि हाँ उसे सेल्फिश मोड ऑन करना था और उसे अपने बारे में सोचना चाहती थी। तो ये जिया की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मैं ये बोल रहा हूँ, सेल्फिश मोड ऑन करना जिया की पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो अगर वैसी वो सच्चाई है उसके बारे में तो जिया वैसी है, और कहीं ना कहीं मुझे ही क्लैरिटी मिली कि जिया ऐसा कर सकती है, उसके अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा भी है। तो इवेंचुअली आई गॉट टू नो द क्लैरिटी। बिट्रेयल फ्री फील नहीं मैं बोलूंगा, बिट्रेयल इज अ वेरी बिग वर्ड। नॉमिनेशन तो मेरे 7 हफ्ते में से 5 हफ्ते हुए, मैं तो ऐसे ही लगता था मैं LOC पे चल रहा हूँ कि कब बम फट जाएगा पता नहीं चलेगा, और हर हफ्ते कोई ना कोई बम फटता ही था। पहले 3 हफ्ते तो कहाँ कहाँ से बम फट रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। सो वॉकिंग ऑन द LOC आई रीच्ड 7th week एंड आई डोंट फील इट वॉज अ बिट्रेयल। नॉमिनेट तो मैं ऐसे नहीं तो वैसे ही मुझे लग ही रहा था। रही बात जिया बचा सकती थी, वो डेफिनेटली था एक ऑप्शन, बट उसने नहीं बचाया, अब वो उसका कॉल है। अभिषेक की दोस्ती की एक बात करी जाए तो मनीषा ने उसको हर वक्त सपोर्ट किया, हमने देखा उसके सुख दुख, उसके नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ने मनीषा को भी अगर देखा जाए तो नॉमिनेशन से नहीं बचाया है, साथ ही साथ कैप्टनसी से भी कई बार उसको निकाला है, जब फलक ने फोटो दी थी उस वक्त उसको नॉमिनेट कर दिया था, और साथ ही साथ उसने एल्विश को लेकर भी ये बात बोली कि तेरी नेगेटिविटी आ रही है और तेरा नेगेटिव PR बाहर से चल रहा है। क्या अभिषेक दोस्ती सिर्फ गेम के पर्पज से कर रहा है अंदर, या फिर वो वाकई में
है उनका दोस्त नहीं, वो एक चीज मुझे अभिषेक की बहुत अच्छी लगती है कि उसने अपनी दोस्ती को, यार उस घर में ना अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना करो ऐसा इम्पॉसिबल चीज है, तो ये अभिषेक की एक अच्छी चीज है कि उसने अपनी और मनीषा की बॉन्ड को एक अलग जगह दी है। और अगर उस गेम में अगर आप एक दूसरे को नॉमिनेट भी कर लो तो इसका मतलब नहीं है कि आप दोस्त नहीं हो और आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ, तो वो एक चीज अलग है, उसको अलग रखो। दोस्ती एक अलग चीज है, उसको अलग रखो। उसने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की है। रही बात अभिषेक के इंटेंशंस की, तो उस पे मुझे तब शक आता है जब वो एल्विश के पीछे ऐसा बोलता है अपनी मॉम को कि वाइल्ड कार्ड तो जीत नहीं सकता, अरे भाई तेरा ही दोस्त है क्यों ऐसा बोल रहा है, तो मेरे को उसके इंटेंशंस पे शक होता है। तभी मैंने एल्विश को बोला कि ये इंटेंशन कैसे अच्छा हो सकता है, मतलब कौन से एंगल से मैं अच्छा सोचूं। अब तीन पर्सपेक्टिव थे, तेरा खुद का पर्सपेक्टिव एज अ फ्रेंड, मेरा पर्सपेक्टिव एज अ कंटेस्टेंट, और तीसरा पर्सपेक्टिव आप सब लोगों का एज एन ऑडियंस। तो तीनों पर्सपेक्टिव से मैं किस पर्सपेक्टिव से उस इंटेंशन को गुड कैसे सोच सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। वो तू दोस्त है, तू इमोशनल फूल बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, उसमें कोई गुड इंटेंशन तो था नहीं। सो लास्ट क्वेश्चन, आपने फलक को अंदर प्रपोज किया है और I like you, yes. नहीं, कोई प्रपोज नहीं, अपनी फीलिंग्स यू नो जाहिर की, प्रपोज नहीं, अपनी फीलिंग्स जाहिर की, बट कहीं ना कहीं बाहर आपका उन्हीं की सिस्टर के साथ 6 months का कुछ रिलेशनशिप था शफक के साथ, तो क्या कहना चाहोगे, ये जर्नी को आप कैसे यू नो कैरीड ऑन करोगे अगर फलक को इस चीज में नाज हो, यू नो वो हो, तकलीफ हो कि एतराज हो कि यू नो शफक के साथ ऑलरेडी आप थे। पहली बात तो शफक और मेरे बीच में कुछ था नहीं, ये चीज अब क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना ही मुझे आइडिया चाहिए, क्योंकि वो बेतुकी है। मैं और शफक एक टेलीफिल्म में साथ में थे जो स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हुई थी, 10 या 12 टेलीफिल्म बनी थी, उसके लिए हमारा 20-25 दिन का आउटडोर था महाबलेश्वर में, और हमारी टेलीफिल्म की सबसे ज़्यादा TRP आई थी। वो एक रोमांटिक टेलीफिल्म थी, वो एक बहुत अच्छा शूट था, वो आज भी मैं मिस करता हूँ, इतना अच्छा शूट था वो। और वो सब साथ में रह रहे थे, तो उस वक्त समीर शर्मा भी मेरे साथ उसी शो में था जो अब नहीं रहे, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया था कास्ट के बीच में, डायरेक्टर से लेकर पूरे टास्क जो बैक ऑफ द कैमरा जितने भी टेक्नीशियंस थे, क्योंकि हम सब साथ में रहते थे। तो उस वक्त का ही ये दौर है, और वो चीज़ अब क्यों आ रही है 11 साल बाद, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, और उसे तवज्जो क्यों दिया जा रहा है मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ कम्प्लीट सरप्राइज फॉर मी। फलक ने भी मुझसे ये कल पूछा, तो फलक को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, तो वी हैव नो आइडिया। और फलक को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बोला, क्योंकि वो सही है ही नहीं, और मुझे भी कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सही है ही नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु इज एल्विश फॉर यू, कैसा बंदा है आपके लिए एल्विश? गेम में कुछ और था, घर में जाते जाते कुछ और नजर आया, उसका हक टच कर गया मेरे को, उसने जब एंड में हक किया ना तो बहुत ही जेन्युइन था, क्योंकि मैंने कोशिश की उसे समझने की, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले उसे समझने की, जबकि वो तो मुझे गालियां दे रहा था और वो मुझे गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रही बोल क्या रहा है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अविनाश ने तो कोशिश ही नहीं की समझने की एल्विश को। तो मैंने जब उससे समझने की कोशिश की तो मुझे उसका रियल साइड दिखा कि वो एक समझदार बंदा है, अगर उसे 2 मिनट बैठ के अगर कुछ समझाओ ना प्यार से, भले आप अगर उसे हक जमाना चाहो ना तो हक जमाने देता है, क्योंकि वो ऐसा इंसान है, वो एक नाइव इंसान है जो 24-25 साल का है, और वो उसमें समझदारी है, उसमें ज़्यादा गहराई है, वो समझता भी है और समझाता भी है और सिचुएशन भी समझ लेता है, पर उसने एक्सेप्ट किया उसमें एंगर इशू है, कि उसका 2 सेकंड में गुस्सा ऐसे जाता है और वो 2 घंटे में वापस ठंडा हो जाता है, ये चीज़ उसी ने खुद एक्सेप्ट किया, और मुझे उसके लिए उसने सॉरी बोला है, विच आई टोक इट ग्रेसफुली, और मेरे लिए अपने दिमाग में जहन में उसके लिए कुछ भी ग्रजेस नहीं है, जो उसने किया वो उसकी पर्सनैलिटी थी, अगेन जिस तरीके से मैंने संभाला उस सिचुएशन को वो मेरी पर्सनैलिटी। सो क्या एल्विश के कंधे पे कोई और बंदूक रख के चला रहा है, जैसे कोई और हक जमा रहा है उसके ऊपर? एल्विश पे मुझे नहीं लगता एल्विश किसी को हक जमाने देगा, बट एल्विश कहीं ना मैंने महसूस किया है कि जब वो मनीषा और अभिषेक के साथ होता है तो अब मैं उसे पीयर प्रेशर बोलूं या कम्युनिटी प्रेशर बोलूं, कि अभिषेक अपने आप को एक तौर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे भी इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो मेरे फोटा है, मनीषा अपने तरीके को इस तरीके से एस्टैब्लिश कर रही है तो मेरा फोटे क्या है, मैं हरियाणवी हूँ तो मुझे इस तरीके से अपने आप को दिखाना चाहिए, तो क्या वो पीयर प्रेशर में आके कम्युनिटी प्रेशर में आके अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब उसके साथ 1-to-1 एज अ मैन टू मैन पर्सनली बैठो तो वो बहुत ही समझदार इंसान है, पर वो समझदारी जाती कब है, जब उनके साथ होता है, जब झुंड में बात करो तो उतनी समझदारी नहीं दिखती है, जब पर्सनली बात करो तो भाई बोलता है यार आप थप्पड़ मार लो यार, कर लो यार, तो ऐसा वाला है वो। ओके,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।